इसी ग्राउंड पर पिछले संडे फाइनली खेल चुकी है, इसी बीच ये पहली गेंद थी। आगे बल्ले से खेलने की प्रयास जरूर है, गेंद जाती हुई मिड विकेट बाउंड्री की तरफ चार रनों के लिए। इस चार रन के साथ खाता यहां पर खुला है, अकाउंट जरूर खुला है। भविष्य वैभव है, बिल्कुल वैभव की अगर बात करें, होनहार खिलाड़ी हैं, अपनी टीम की ओर से काफी अच्छा परफॉर्मेंस इनका देखने मिलता है। अगली गेंद को लेकर तैयार है, इसे का फिलहाल सामना करने के लिए तैयार है वैभव। इस बार गेंद परिवर्तित होती हुई डिक्लेयर जोन की तरफ, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं मिलता हुआ। स्कोर की अगर बात करें तो स्कोर कन्वर्ट होता हुआ जहां पहुंचा है 5 रनों पर, 5 रन हो चुके हैं। जय बजरंग गोरसाई भी टीम इस वक्त परफॉर्मेंस करती है। इस बार बैकफुट पर जाकर पंच किया, गेंद जाती हुई पॉइंट के क्षेत्र में, जब तक की गेंद को फील किया जाता है 2 रनों के लिए दौड़ लगी है, नजदीकी मामला हो सकता है, लेकिन रनिंग फील्डिंग द विकेट बहुत ही बढ़िया रही इस वक्त दोनों ही बल्लेबाजों की। इस 2 रन के साथ रनों की रन संख्या में फायदा इजाफा जरूर होता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 7 रनों पर, स्कोर दर्शाता हुआ 7 रन। अगली गेंद लेकर कुणाल फिर से सज्ज होंगे, सामना करने के लिए तैयार है वैभव, जिन्हें प्यार से पेटिया कहा जाता है, काफी फेमस बैट्समैन इस क्षेत्र के। रिवर्स स्ट्रोक का जड़ा है जरूर, और गेंद जाती हुई डिक्लेयर जोन की तरफ, बिल्कुल आप देख सकते हैं एक झंडा लगा हुआ है, पचंग वहां पर लगा हुआ है। अगर गेंद उसके राइट साइड से जाती है तो सिंगल, लेफ्ट साइड से निकलती है तो लंबा हिट माना जाएगा। इस वक्त हम देख सकते हैं स्ट्रोक तो अच्छा था, रिवर्स स्ट्रोक लगाया था जरूर, टाइमिंग प्लेसमेंट बहुत ही बढ़िया थी, लेकिन डिक्लेयर जोन में गेंद इस वक्त परिवर्तित होती हुई। इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 8 रनों पर, स्कोर बोर्ड पर इस वक्त कन्वर्ट होता हुआ स्कोर 8 रन। अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क पर, इस बार बड़ा हिट लगाने की चाहत, लेकिन चाहत रही अधूरी। मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात पवन, खूबसूरत कैच लपका है पवन ने, विकेट का हुआ है बदल और पहली सफलता मिलती हुई गेंदबाज कुणाल को। न्यू बैट्समैन इस वक्त प्रवेश करते हुए रितेश जोशी, एक बड़ा सितारा माना जाता है थाना क्षेत्र का, परफेक्ट मैच फिनिशर की सूची में पहले नंबर पर आने वाला खिलाड़ी, रनों की मशीन, लंबे हिट का धनी रितेश जोशी इस वक्त विकेटों के बीच में प्रवेश करता हुआ, डेंजर बैट्समैन माने जाते हैं रितेश जोशी। अमूल का ये लकी ग्राउंड है, इस ग्राउंड पर काफी इतिहास उन्होंने जरूर रचा है। इसी बीच ये गेंद जोरदार, अपील तो जरूर की गई थी लेकिन अपील को यहाँ पर नकारा है अंपायर ने, गेंद रही डॉट के रूप में, ओवर की हुई है समाप्ति। पहली ओवर की समाप्ति के बाद रनों की जो रन संख्या है गावदेवी स्पोर्ट्स बालकुम की, वो है लगभग 8 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। स्कोर 8 रनों पर दर्शाता हुआ, गेंदबाजी की कमान पर आए हैं भावेश पवार, इस क्षेत्र में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब इन्होंने लिया है जरूर अगले ही संडे, और इस वक्त गेंदबाजी की कमान पर सज्ज होते हुए रितेश सामना करने के लिए तैयार होते हुए। रितेश की अगर बात करें तो बिल्कुल काफी डेंजर बैट्समैन माने जाते हैं, काफी बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन इनका रहा है, और इस क्षेत्र में जीपीएल के मैन ऑफ द सीरीज के हकदार रह चुके हैं। अब देखना यह है कि ये दोनों ही गेंदबाज और बल्लेबाज के बीच किस तरीके की फाइट होती है। सम्मानजनक स्ट्रोक, अच्छी गेंद को सम्मान देना और खराब गेंद का समाचार लेना, ये एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी होती है।
उसी तरीके का दृश्य यहाँ पर देखने जरूर मिला। सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया और मौका दिया अमूल को, स्कोर 9 रनों पर इस वक्त परिवर्तित होता हुआ। भावेश फिर से एक बार सच्चे होते हुए, युवती क्षेत्र का एक बड़ा नाम, एक बड़ा सितारा। शॉर्टपिच गेंद थी, आगे बल्ले से खेलने की चाहत थी, गेंद आती हुई इस वक्त मिडिल विकेट के क्षेत्र में, एक रन जरूर मिलता हुआ। इस एक रन के साथ रनों की रन संख्या में थोड़ी सी बढ़त, स्कोर 2 आंकड़ों में दर्शाता हुआ 10 रन। इसी बीच भावेश की अगली गेंद, खिलाया जाएगा। इनिंग की समाप्ति के बाद, एक इनिंग की समाप्ति के बाद आपको आना है टॉस के लिए, ये चीज ध्यान रखिए। बिल्कुल एक बड़ा झटका जरूर यहाँ पर देखने मिलता हुआ नीतीश के रूप में। इसी बीच अगली गया और बड़ा हिट लगाने की चाहत जरूर जताई थी अमूल ने, लेकिन इस वक्त बैट और बॉल की बिल्कुल मुलाकात नहीं, बचा हुआ काम कीपर ने किया, गेंद रही इस वक्त डॉट के रूप में। चार्जर लाओ ना, डॉट के लिए बैटरी की जो रन संख्या है वो है 10 रन। इस बार ये मौका बना है कैच का, लेकिन जब तक की गेंद को फील्ड किया जाता यहाँ पर दूसरे फिर दौड़ लगती हुई और नजदीकी मामला, अंपायर के इशारे का इंतजार, दो जगह पर रनआउट की कोशिश की गई लेकिन कामयाबी कहाँ मिली, यस कामयाबी मिलती हुई यहाँ पर स्ट्राइक हैंड पर जहाँ पर अमूल दौड़ लगा रहे थे। टिपिन कारण है भावेश की प्रशंसा करनी होगी, उन्होंने सिचुएशन को देखा कि रनआउट का चांस कहाँ बन सकता है, बिल्कुल उन्होंने डायरेक्ट थ्रो एक साइड में अच्छी लगा रास्ता हो ये साइड ला। स्कोर ये साइड ला नहीं लगा समोर जा पहुंचा है 11 रनों पर। न्यू बैट्समैन विजय विकेटों के बीच में प्रवेश करते हुए विजय इस वक्त स्ट्राइक उनके पास है और भावेश की अगर हम बात करें तो बंद है लगभग, गेंदबाजी की देखने मिलती हुई, 2 रन खर्च किए हैं, 3 रन खर्च किए हैं, 1 विकेट अपने नाम किया है और इसी ओवर में एक रन आउट अमूल के रूप में देखने जरूर मिला। लैपटॉप चलाओ इस पर गेंद और यहाँ देखिए व्हाट अ कैच, ब्यूटीफुल डिलीवरी एंड सक्सेसफुल डिलीवरी, विकेट का बदम होता हुआ, बैट का चुम्मा लेकर गेंद कीपर के हाथों में विकेट के रूप में कन्वर्ट होती है। न्यू बैट्समैन भूषण, भूषण थोड़ा सा प्लीज दौड़ते हुए चले जाए, जो ओवर की समाप्ति हुई है और स्कोर है 11 रन। गेंदबाजी का जिम्मा संभाला है इस वक्त गेंदबाज पवन ने, फास्ट
पहली गेंद काफी खराब रही, शॉर्ट पिच गेंद कर बैठे पवन, अंपायर का इशारा वाइड के रूप में कन्वर्ट होता हुआ और फर्स्ट वार्निंग यहां पर जरूर मिली है। स्कोर है 12 रन। इस बार बड़ा हिट, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ, अंपायर का इशारा 6 रनों पर परिवर्तित होता हुआ। बल्लेबाजी की कमान पर है इस वक्त बल्लेबाज दिवेश। दिवेश इस वक्त बल्लेबाजी की कमान पर नजर आते हुए इस बार पटकी हुई गेंद थी, बड़ा हिट लगाने की चाहत जरूर थी लेकिन ये सुरक्षित टॉक के रूप में। इस बार ये अच्छा स्कोप कार्पेट के सारे खेला गया, स्कोप का गेंद आती हुई एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, जब तक कि गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाता, दो रनों के लिए दौड़ लगती हुई और दो रन यहां पर पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। स्कोर जा पहुंचा है 20 रनों पर दर्शाता हुआ। इस वक्त तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है, 3 गेंदें अभी भी आना शेष है इस ओवर की। पवन की अगर बात करें तो अब तक के खर्च कर चुके हैं 9 रन अपनी 3 गेंदों में। इस बार ये गेंद लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर रही, वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से यहां पर आता हुआ, रनों की रन संख्या में थोड़ी सी और बढ़त, स्कोर जा पहुंचा है 21 रनों पर। इस बार ये स्ट्रोक एक्स्ट्रा कवर पर खेलने की कोशिश और दो रन दौड़कर पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों। स्कोर 23 रनों पर इस वक्त दर्शाता हुआ। इस बार ये अच्छी गेंद टॉट डिलीवरी के रूप में, अच्छा कमबैक करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पवन या की ओर में ही रन आए हैं, नहीं तो उससे पहले अगर हम देखें तो बिल्कुल भावेश ने खर्च किए थे 3 रन 2 विकेट अपने नाम की। कुणाल की अगर बात करें तो 8 रन देकर 1 विकेट लिया, पवन की अगर बात करें तो थोड़े से महंगे साबित हुए हैं। इस बार ये अच्छी गेंद डॉट डिलीवरी ओवर की हुई है समाप्ति और 3 ओवरों की समाप्ति के बाद जो रनों की रन संख्या है वो है 23 रन। नेक्स्ट मैच खेला जाएगा द ग्रेट मराठा जुई चंद्र वर्सेस जॉली बॉयज बुमरा। जॉली बॉयज कैप्टन रेडी पोजीशन में रहना है आपको, उसी तरीके से द ग्रेट मराठा जुई चंद्र कैप्टन जितेंद्र आपको भी रेडी रहना है। गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली है विजय ने। विजय अंतिम और आखिरी ओवर लेकर आए हैं अपनी टीम की ओर से। इसी बीच ये गेंद शॉर्ट पिच गेंद थी, आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास था लेकिन इनर एज लेती हुई गेंद कीपर के दस्तानों में विकेट के रूप में कन्वर्ट होती हुई, विकेट का पतन हुआ है जरूर। न्यू बैट्समैन गणेश इस वक्त विकेटों के बीच में प्रवेश करते हुए, बिल्कुल यहाँ पर बल्लेबाजी की अगर बात करें तो गावदेवी स्पोर्ट्स बालकुम की टीम की यहाँ पर गेंदबाजी अच्छी है लेकिन बल्लेबाजी की अगर बात करें तो बल्लेबाजी स्ट्रांग मानी जाती है। अब तक के कोई बल्लेबाज विकेटों पर डटा हुआ नहीं है, टिका हुआ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रनों की जो रफ्तार है वो दिपेश है पास करने की कोशिश कर रहे हैं और लगभग अगर उनका निजी स्कोर देखा जाए तो 10 रनों पर इस वक्त वो नॉन स्ट्राइक हैंड पर मौजूद हैं।
पांच गेंदे अभी भी शेष है, आना बाकी है। विजय की सामना करने के लिए न्यू बैट्समैन आए हैं गणेश। विकेटें लगभग जा चुकी है, पांच विकेटों का बदन अब तक के हो चुका है। इसी बीच ये गेंद शॉर्टेज गेंद थी, प्रहार तो जरूर किया है, गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ 6 रनों के लिए। व्हाट अ हिट, बिल्कुल हट्टे कट्टे शरीर के हैं, गेंदबाज के रूप में इनकी पहचान है, लेकिन आज बल्लेबाजी की जब पारी आई तो आते ही साथ अपना अकाउंट 6 रनों के साथ खोला है। स्कोर 29 रनों पर इस वक्त कन्वर्ट होता हुआ, 29 रन दर्शाता हुआ। अगली गेंद पर इस बार एक और बड़ा हिट लगाने की चाहत, और इस बार गेंद जाती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ, 6 रनों के लिए। व्हाट अ हिट है, क्या बात है, गणेश ऑन फायर, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, लाजवाब बल्लेबाजी। बैक टू बैक दो गेंदों के दो बड़े हिट यहां पर लगाकर अपनी टीम को मैच में वापसी करा दी है। स्कोर है 35 रन, 3 गेंदे अभी भी आना शेष है, 3 गेंदे अभी भी आना बाकी है। इस बार बैक फुट पर जाकर पंच किया, गेंद जाती हुई डिक्लेयर जोन की तरफ, 1 रन, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं, स्कोर जा पहुंचा है 36, 36 रनों पर। स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 36 रन। गणेश फिर से एक बार सामना करने के लिए तैयार है के हुए। इस बार गति में थोड़ा सा फेर बदल किया, गेंद हवा में है, मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद, खूबसूरत कैच, विकेट का बदल होता हुआ, गणेश की इनिंग की हुई है इस वक्त समाप्ति। लेकिन गणेश ने जाने से पहले अपनी टीम के लिए 13 रन की जो पारी खेली है वो शानदार रही, जानदार रही। न्यू बैट्समैन इस वक्त विकेटों के बीच में प्रवेश करते हुए अक्षय, चलिए जॉनी बॉयज कैप्टन, जॉनी बॉयज कैप्टन आना है, और उसी तरीके से ब्रेक मराठा जूल चंद्र कैप्टन आपको भी आना है। एक गेंद बाकी है, उसके बाद टॉस की प्रक्रिया हम पूरी करेंगे, प्लीज बी फास्ट। इसी बीच ये गेंद एक रन तेजी के साथ पूरा किया है, और यहां पर देखिए रनआउट के रूप में विकेट गिरा है, लेकिन 1 रन अकाउंट में जरूर कन्वर्ट होगा। जॉली बॉयज कैप्टन चलिए आइए टॉस के लिए।